लाहौर में कमिश्नर लाहौर जी सरबराही में जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइश गाह अंदर पुलिस जो सर्च ऑपरेशन इमरान खान पंजी रिहाइश गाह में मौजूद मीडिया जो नुमाइंदा वकील भी मौजूद रहा। कमिश्नर की सरबराही में चार रुकनी टीम जी इमरान खान की लीगल टीम से मुलाकात। कमिश्नर की सरबराही में टीम इमरान खान के घर से झड़ती बाद वापस रवानी थी वही। बलोचिस्तान के शहर ज़ोब में जमायत इस्लामी के अमीर सराजुल हक के काफिले के आपघाती बम हमलों सराजुल हक के बयाकवार हमले में महफूज रहा। हमले में जमायत इस्लामी जहाँ सख्त कारकुन जख्मी चार जन की हालत नाजुक बुधाई पी वे। पुलिस मूजिब सराजुल हक हमले में महफूज रहा है। ज़ोब में अज जमायत इस्लामी जो जलसो हो सराजुल हक के जलसे के खिताब करो हो। अगूड़े सदर आसिफ अली जरदारी जी सराजुल हक के काफिले वेझो आपघाती बम हमले की मजम्मत सराजुल हक लाए नेक ख्वाहिशन जो इजहार। आसिफ अली जरदारी जो चवण है तो आपघाती हमले की मनसूबा साजन के गिरफ्तार कर वे। अगूड़े सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत है पीपीजी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास बिलावल हाउस कराची में थी। इजलास में 9 मई के वाक खिलाफ मुजम्मती ठहराव मंजूर कर वो। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से भी गौर विचार। इलेक्शन कमीशन पारा मेयर डेप्यूटी चेयरमैन जिले चेयरमैन ए टाउन चेयरमैन की चूं में देर खिलाफ पीपी तरफा सिंध में एहतजाजी मुजाहरा। कराची मलीर हैदराबाद में पुरखास शहीद बेनजीराबाद सखर लारकाने में पीपी तरफा मुजाहरा बदीन उमरकोट कोट गुलाम मोहम्मद में वो पीपुल्स पार्टी पारा एहतजाज किया वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ वफाकी काबीना इजलास 16 मई से थियल कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों की मंजूरी दिनी वही। वजीर आजम की काबीना मेंबर के पाक ईरान सरहद से मनसूबन के इफ्तिताह ईरानी सदर से मुलाकात बाबत ब्रीफिंग। वजीर आजम ने चवण है तो पाक ईरान सरहद से सिक्योरिटी में बेहतरी से इतफाक थो। ईरान से घट लागत बिजली की बरामद से बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली इंदी। रोड टू मका मुआदे से अमल दरामद कल खा शुरू थी चुको है। मुआदे से पाकिस्तानी हाजन जो वो अंग फायद वी।